Hello everyone, welcome to our CSAT 2025 course. As you know, this course has already started. We have taken two lectures as of now, and through these videos we are trying to post snippets of our actual 2-hour sessions. So these sessions are always live with me, plus after the session I also provide you with the recordings and the handouts. Now if you have any queries, anything, or you wish to enroll for the course, you can directly reach out to me on this number, that is through our WhatsApp, and we can connect further. All right, let's start with this particular session. अच्छा, इस क्वेश्चन में पिवोटल पॉइंट क्या है जिसके अराउंड बाकी सारे लोगों की सैलरी रिवॉल्व कर रही है? क्या वो पी की सैलरी है, क्यू की सैलरी है, या फिर आर की सैलरी है? पिवोटल पॉइंट किसका है? आर, राइट? बहुत बढ़िया, तो आप 100 N किसे अज्यूम करोगे? आर को. सो लेट आर सैलरी इज 100 N. बोला जा रहा है क्यू सैलरी इज 20% लोअर देन आर्स. तो क्यू सैलरी इज 20% less than this, which is 100 N minus 20 N, 80 N. Next, P salary is 20% lesser than Q salary. So Q salary is 80 N minus 20%. देखो यार, मैंने अभी आपको बोला था 20% को आप लिख सकते हो as 10 plus 10%, right? 80 N का 10% होगा 8 N, तो 20% हो जाएगा 16 N. तो 80 N माइनस 16 N, इट वुड बी 70, और 6 और चले गए तो 64 N. क्या ये फॉलो कर पा रहे हो एवरीवन? यहां तक चीजें क्लियर हैं? आया ना? प्लीज कंफर्म. नो, कुल यू रिपीट दैट पी सैलरी पार्ट अगेन, व्हिच इज 80 N माइनस 16 N. ठीक है ठीक है, अभी बता रहा हूँ, ध्यान देना. यहां तक चीजें क्लियर है क्या? क्यू सैलरी, ये वाला यस पार्ट क्लियर? दैट्स क्लियर. या ओके, पी इज सैलरी पे आते हैं. 20% लोअर देन व्हाट एवर इज क्यू सैलरी. सो पी सैलरी इज 20% लेस देन क्यूज सैलरी. क्यू सैलरी आपने अभी फाइंड आउट करा है 80 N. So it is 20% less of this value. So what is 10% of this value? 10% is 8N. 20% would be 16N. तो इसका सिर्फ 20% ही लेस है. मान लो 20 की जगह पे 50 होता तो आप क्या बोलते हैं? 50% लेस देन क्यू सैलरी. सो 50% ऑफ 80 N इज बेसिकली 40 N. तो आप यहाँ पे माइनस में 40 N करते हैं. सिमिलरली 20% of 80 N is actually a value which is 16 N. तो ये less है, तो आप minus कर रहे हो. Clear है क्या? Understood. Okay. अब now अगर मैं आपसे पूछूं कि what are the exact values, तो आप बोलोगे 100 N, 80 N and 64 N respectively. How much percentage is our salary more than P salary? Percentage का question है, तो आप कीवर्ड के पीछे भागते हो. कीवर्ड आपको दिखता है देन, देन के बाद है पी. तो देन के बाद है पी, मतलब पी इज द डिनोमिनेटर इन 200. आर सैलरी मोर देन पी, तो आर मोर पी, आर मोर पी. आप बताओ आर कितना ज्यादा है पी से? आर और पी के बीच में कितने का गैप है? तो यू कैन से 36 N का गैप. P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू है 64 N इंटू 100. अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, सो दिस इज 18 N बाई 32 N इंटू 100, और मे बी 9 N बाई, एन एन भी हटा दो, एन क्यों लिखना, बाई 16, विच इज 8 बाई 16 प्लस 9 बाई 16. को आप क्या लिख सकते हो बेसिकली? ये 9 बाई 16 है, 8 बाई 16 प्लस 1 बाई 16. 8 बाई 16 इज 50%, 1 बाई 16 इज हाफ ऑफ 1 बाई 8 विच इज 6.2825.
ये बन जाएगा 56.25%। तो आइडियली 9 बाई 16 इंटू 100 इज वॉट यू नीड टू कैलकुलेट। देर आर शॉर्टकट्स जो मैंने बता दी कैसे कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली वो शॉर्टकट्स आपको विथ टाइम ही आएगा, विथ यूजेज ही आप कर पाओगे। ऑप्शन बी आपके लिए करेक्ट फिट होगा। एक और क्वेश्चन है, वो आप बना लेना।